बच्चा पालिया सब बड़ा बडेरा सब बड़ा बडेरा वो जी सब लोग लगाया वो जी पापरिया ने सजाया वो जी भाइयों और बहनों राम राम। हमारे इस कार्यक्रम चौपाल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, ऐसे में सर्वप्रथम मैं अपने सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। दर्शकों, आज का हमारा विषय है सामाजिक उत्थान में महिलाओं की भूमिका, जिसकी शुरुआत मैं चंद पंक्तियों के साथ करना चाहूँगी कि हैं घर हौसले बुलंद, पालेंगे सब कुछ एक दिन, एक सुबह और सबों से आगे होंगे एक दिन, पालेंगे उन शिखरों को पाने को जिन्हें मिचलते हैं अभी, यूं ही बढ़ने की तमन्ना जागा करेगी रात दिन। जी हाँ दर्शकों, नारी जो कि भगवान की बनाई हुई सुंदरतम रचना है, उसके अंदर हर विषम परिस्थितियों में भी सामंजस्य बिठाने की अद्वितीय क्षमता है। वह आज के ज़माने में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में चल रही है। अब वो दिन नहीं रहे जब वो घर में बैठी रहती थी और अपनी प्रतिभाओं और अपने हुनर को एक खुला आकाश नहीं दे पाती थी। आज उसे वो सब कुछ मिल रहा है जो वो चाहती है। आज वो घर से बाहर निकली हैं और हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम कर रही हैं। कहा भी गया है कि जो स्त्री एक हाथ से झूला झुलाती है, आज वो उसी हाथ से देश को भी चला रही है। आज इसी बात पे और चर्चा करने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है शांति रंगा जी को। नमस्कार। जो कि एक गृहिणी है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है शांति जी। धन्यवाद। इसी के साथ आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं नसीमा खातून जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नसीमा जी, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब जैसे कि आज हमने बात की कि आज का हमारा विषय है सामाजिक उत्थान में महिलाओं की भूमिका, तो नसीमा जी, चूंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो सर्वप्रथम मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आज के समय में समाज में स्थिति की जो महिला है उसकी क्या भूमिका है? आज के समाज में जो महिलाओं की जो भूमिका है ना, जिसको कह सकते हैं कि वो तो पिछले सदियों काल में भी रहा, बहुत अहम भूमिका है जी। और हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं। जहां हम नहीं कह सकते कि महिलाएं किसी से कम है या हम उसको कम आंक सकते हैं जी। आज आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, एक पायलट के रूप में भी आज महिला है, तो आज एक कूली के रूप में भी एक महिला उभर के आ रही है। लेकिन मेहनत करने के जब जिस भी सीमाओं पे महिलाओं को रखा गया, वहां उन्होंने अपने साहस का परिचय बाखूबी दिया है जी। बिल्कुल, आपने मतलब इतना सही फरमाया है कि कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि पुरुष प्रधान ही समझे जाते थे, तो आज उसमें महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। तो चलिए शांति जी, अब चूंकि आप एक गृहिणी हैं, आप घर परिवार के साथ रहती हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या एक गृहिणी घर में रहते हुए परिवार के साथ रहते हुए भी कुछ ऐसा कर गुजर सकती है कि समाज में अपना योगदान दे सके? बिल्कुल कर गुजर सकती है और किया है हमारी बहनों ने, हमारी महिलाओं ने, जो कि घर में रहकर ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं और अच्छा प्रशासन चला रही है। जैसे सास बहू का रिश्ता ही देख लीजिए आप, माँ बेटी का रिश्ता देख लीजिए। और अभी जो आपने बात करी थी नवरात्रि पर्व की, तो दुर्गा के नव रूप हम अपने घर परिवार में, अपने आसपास भी देख सकते हैं, एक महिला के रूप में जो कि उसमें विराजमान है। तो महिला जो है वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इसमें हमारी बहनों का ही काफी योगदान रहा है जी। आज एक कहते हैं कि नारी तुम अबला नहीं सबला है, तो नारी आज वाकई दे अबला नहीं है। किसी ने कोई पंक्ति कही लिखी है कि नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी जी। तो बिल्कुल ये, सही कहा। हाँ, तो आज हम अबला रही नहीं, आज हम सबला है और शक्ति स्वरूपा है जी। आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप जैसे इन्होंने बताया था जी कि आज पायलट भी है, कुली भी है, तो मैं ये उदाहरण देना चाहूंगी कि हमारी जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, वो भी देश चला रही थी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को तो हम देख ही रहे थे अब तक कि वो भी हमारी राष्ट्रपति हैं। लेकिन समाज की जब बात करें तो समाज में हमारी बहनों की
अहम भूमिका है। जहाँ पर भी हम अच्छा परिवार, अच्छा समाज सुदृढ़ और समृद्ध देखते हैं तो उसमें हमारी बहनों का ही काफी योगदान है। जी बिल्कुल। वह आज पुरुष से कंधा मिलाकर जॉब कर रही है, बाहर जा रही है और आर्थिक रूप से अपने घर को भी मजबूत कर रही है, बिल्कुल सुदृढ़ कर रही है, तो उसको हम लक्ष्मी का रूप समझ सकते हैं। और बच्चों को सुशिक्षा दे रही है, शिक्षा दे रही है, तो वो सरस्वती का ही स्वरूप है। जी। और आप ये देखो घर पे भोजन परोसती हुई, वो एक साक्षात अन्नपूर्णा कह सकते हैं। जी। तो नारी तेरे रूप अनेक, नारी केवल श्रद्धा नहीं है, नारी त्याग की प्रतिमूर्ति है। त्याग की बात अगर हम कहें तो हम घर पर रह कर ही आज जो ये पुरुष प्रधान समाज हम देख रहे हैं, तो कितने डॉक्टर बन गए, इंजीनियरिंग बन गए, और जो पुरुष की रचना किसने की, सृष्टि की रचना करने वाली ही जगत जननी ये नारी ही है। जी, आप तो इसी नारी ही अपने चाहिए तो अपने समाज को का उत्थान कर सकती है। जी। और नारी ने अपने घर का प्रशासन भी बहुत अच्छी तरह से चलाया है। बिल्कुल सही कहा आपने शांति जी। तो नारी की हमारे समाज के उत्थान में, विकास में और निर्माण में बहुत ही अच्छी भूमिका है। मैं तो ये कहूँ कि नारी एक धुरी है। जी जी बिल्कुल, आपने सही बात की, इन्हें सही उपाधि दी कि नारी जो है वो एक धुरी है, इसी के चारों ओर सब कुछ घूमता है। अगर वो सही दिशा में जाएगी तो सारा परिवार, सब उस बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर कोई सही दिशा में जाएंगे। नसीमा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब चूंकि बात उठी है महिलाओं के उत्थान की, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस उत्थान की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, जहाँ तक इतिहास गवाह है और हम सब जानते हैं और सब लोग पढ़े भी हैं, नारी के अनेक रूपों को जानते हैं और स्वीकारते भी, उसे नकारा नहीं जा सकता है। तो इतिहास में अगर हम बात करें कि आज़ादी के वक्त, आज़ादी के वक्त जब एक महिलाओं का जत्था बनाया गया था जिनका नेतृत्व सरोजिनी नायडू कर रही थी, तो उस समय जब आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं का एक दल बनाया गया, तब महिलाओं के साथ हो रहे उस समस्याओं को एक मंच मिला। जी। और जब वो प्लेटफॉर्म पे वो प्रॉब्लम्स आए, तब लोगों को लगा कि ये मुद्दा जो हमसे कहीं कोसों दूर था, जिसे हम एक महिलाओं के मुद्दे से तुलना ही नहीं कर पा रहे थे कि महिलाओं का भी कोई प्रॉब्लम होगा क्या, उन्हें कोई मतलब इम्पोर्टेंस देता ही नहीं था, उनकी कोई अहमियत है क्या, वो घर चलाने वाली है या फिर उसको इतनी ही भूमिका है, तो वो एक बात निकल के आई। तब सरोजिनी नायडू ने उस वक्त एक बात छेड़ी कि क्यों ना महिलाओं को मताधिकार देने की, कि भी अधिकार हो। इसपे काफी आपत्ति हुए कि महिलाओं को वोट देने की क्या जरूरत। हाँ, लेकिन आज वो दिन है कि हम भी बराबर वोट देते हैं। जी, जी, और ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि हम भारत के नागरिक हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष, हमें बराबर उस सम्मान का अधिकार है और हम वोट देंगे। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अब तो आरक्षण भी हो गया है कि महिलाओं और पुरुषों को बराबर का आरक्षण दिया गया है। जी। वो हमारी पहली सीढ़ी थी कि जब हम समाज में अपने आप को गिनने की बात करते हैं तो वो मत बहुत जरूरी होता है। वोट हमारा बहुत बड़ा गन्ना है जिससे हम है दुनिया में। जी, जी। इसको प्रमाणित किया जाता है, वो एक पहली सीढ़ी थी। जी। अब बात आरक्षण की है, जहां हम 50% 50-50 की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम आधी आबादी हैं तो हमें बराबर का आप ये दो, ये नहीं कि आप 5 दे दिए या 6 दे दिए या चलो भाई इतना रख लो, ये नहीं, एक कृपा दृष्टि नहीं, एक बराबर हमें अपना अधिकार चाहिए ताकि सृष्टि एक बैलेंस में चल सके। हाँ बिल्कुल। तो जैसे अगर ये कहें कि एक लिंग भेद के आधार पर मौलिक अधिकारों का ये जो बांट हो रही है, ये सर्वथा अनुचित है, जबकि जो जिस काम को जिस क्षमता के साथ करता है उसके अनुसार अगर उसके कार्य का बंटवारा किया जाए तो ये सही होगा। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो लिंग भेद का एक जो समस्या सदियों से चला आ रहा है कि लिंग के आधार पे अब लड़कियां हैं तो आप ये नहीं कर सकते, लड़के हैं तो आप ये कर सकते हैं, लड़कियां हैं तो शाम को लेट वापस नहीं आ सकती, लड़के हैं तो उनके लिए कोई टाइम नहीं है, ये बहुत जरूरी है, मतलब बात हो गई है समाज में और इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अनदेखा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जो हमारी सोच है ना वो जब तक नहीं बदलेगी तब तक हम इस मुद्दे को अनदेखा नहीं कर सकते। अब चूंकि बात उठी है सोच बदलने की, तो ऐसे में फिर ये प्रश्न उठता है कि आखिर हम सोच को किस तरह से बदलें, ऐसे कौन से जरिए हैं जिसके चलते हम कुछ ऐसे बदलाव ला सकते हैं कि सबकी सोच को बदल सकें।
तो आपको लगता है कि शिक्षा इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है? जी हाँ बिल्कुल, पहले तो बेटियों की शिक्षा पे कोई गंभीर ही नहीं था, अब बेटियों को पढ़ लिख के क्या करना है, चूल्हा चौकी ही तो करना है, घर में लोग एग्जाम्पल देते जी थे। अभी भी जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ अगर हम नजर दौड़ाएं तो आज भी कुछ ऐसी ही दशा देखने को मिलती है। नहीं अब दशा बहुत बदली है, अब गाँव में भी, क्योंकि अब क्या हो गया है कि पहले की शादियों का जो डिमांड होता था तो बस इतना कि लड़कियां हुनर में क्या जानती है, सिलाई कटाई बुनाई जानती है कि नहीं, खाना बनाने के अलावा। लेकिन अब दूसरा चरण ये जुड़ गया कि एजुकेशन कितना है जी। अब क्या जुड़ गया है, तो अब क्या भाई कि लड़कियां क्या जॉब करती हैं, तो क्या कि अब जो डिमांड है शादी मैरिज लाइफ के लिए लड़कियों का, वो है कि एक तो वो अच्छा खाना बनाती हो या वो अच्छा बुनाई जानती है, इससे मतलब नहीं, उसके पास वेल एजुकेशन हो और वो जॉब करती हो। बिल्कुल, ये डिमांड आ गया। तो अब क्या है कि गांव में भी ये सोच बदल गए कि ठीक है, हम लड़की को अगर पढ़ा नहीं रहे हैं तो उसकी शादी हम जिस तरह के लड़के ढूंढ रहे हैं नहीं होगी। हाँ। तो अब गांव में भी ये बहुत तेजी से फैल रहा है जी, और लोग बच्चियों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनके अंदर भी जागरूकता आई है, वो समझ रहे हैं, पढ़ाई की अहमियत को समझ रहे हैं और वो अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने की इजाजत भी दे रहे हैं। तो शांति जी चलिए आपकी तरफ रुख करते हैं और आपसे जानना चाहूंगी कि चूंकि पूरे समाज में एक मिथक है कि ये वाला क्षेत्र महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए है, तो ऐसे में आज के समय में जब महिलाएं उस मिथक को तोड़ रही हैं, हर एक क्षेत्र में सफलता के परचम लहरा रही हैं, तो आपका उस बारे में क्या कहना है? मेरा तो यही मानना है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी बेटियों को पढ़ाएं जी, आगे लाएं, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों हमारी दो आंखें हैं जी, जी, तो अगर जी, बेटी को नहीं पढ़ाएंगे तो एक आंख, ये समझ लीजिए कि एक आंख हमारी कम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो दोनों को बराबर रखें जी, बेटा और बेटी में भेदभाव न रखें, बेटी को भी उतने ही अधिकार दें, उसी तरह तो उसका पालन पोषण करें, उसी तरह उसको दिशा निर्देशन करें कि बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं है। इसलिए बालिका शिक्षा बहुत जरूरी है। आज एक पढ़ी लिखी लड़की होगी, वो पढ़ी लिखी माँ भी बनेगी, तो उनके जो बच्चे होंगे तो वो ये चाहेंगे जो मैंने सहन किया है जी, वो ये सहन ना करें, जी। और ये पढ़े, क्योंकि पढ़े लिखे की चार आंखें होती हैं, दो ज्ञान की आंखें, दो तो अपने हैं जी, जी। तो पढ़े लिखी जो लड़की होगी वो अपने देश का, समाज का और अपने परिवार का उत्थान करेगी और अपनी लड़कियों को भी पढ़ाएगी जी। तो मतलब सर्वप्रथम एक तो एक माँ को जो कि शुरू से ही बच्चे के साथ जुड़ी होती है, उसको जरूर यह ध्यान देना चाहिए कि उसकी बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में ज्यादा है। अगर उसकी बच्ची कोई हुनर रखती है, कोई काबिलियत रखती है, तो उसको जरूर बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि वो आगे चल के समाज की उन्नति में अपना योगदान दे सके, दे सकते हैं। और आज जैसे कि मैं एक गृहिणी हूँ, तो आज महिला ही हमारे भारतीय संस्कृति में कितने त्योहार होते हैं, कितने पर्व होते हैं, कितने संस्कार होते हैं, कितने, जैसे 16 श्रृंगारों की बात की, 16 संस्कारों की बात की, और कई तरह की नारी में भी गुण होते हैं और 16 कलाएं जो हैं वो भी एक नारी में ही मौजूद है। तो आज समाज जो हमारा टिका हुआ है वो नारी की नींव पर ही टिका हुआ है। आज रक्षाबंधन का त्योहार देखिए तो ये बहन और भाई का पवित्र रिश्ता है जी, तो मतलब आज जितने अपने व्रत उपवास जितने भी करते हैं समाज के अंदर, तो ये इसकी सामाजिकता जो है वो एक नारी बखूबी निभा रही जी, है। शांति और ने बिल्कुल सही कहा कि मतलब परिवार में रहते हुए भी स्त्री कितनी बखूबी से अपने सभी किरदारों को निभाती है। इसी के साथ नसीमा जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या आप मानती हैं कि महिलाएं समाज की वास्तविक वास्तुकार होती हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें मान्य है कि मैं भी एक महिला हूँ। बिल्कुल, और हम जो कारीगरी करते हैं ना, वो एक बहुत नेतृत्व, कुशल नेतृत्व क्षमता की मतलब क्या बोले उसके बिंदु होती है। अगर एक महिला, हम कहते हैं कि अगर एक महिला एक नींव डाल दे एक परिवार की, तो वो विकसित होने में 5 सेकंड नहीं लगेगा उस परिवार को, क्योंकि दिशा आप निर्धारित करते हैं जी। लेकिन अगर महिला, वही महिला अगर विनाश का रूप ले ले जी, तो वो विनाश का भी 5 सेकंड नहीं लगेगा कि वो कहाँ गया, वो परिवार कहाँ था, उसका अस्तित्व कुछ पता नहीं चलेगा। तो एक अस्तित्व का निर्माण ही एक महिला की उस कोख से शुरू होती है जी, तो हम उसे नकार तो सकते नहीं है, बिल्कुल नहीं नकार सकते। तो आप ऐसे में कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारी जनता को? हाँ जी, हमारे तरफ से आप सभी को मतलब दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और चूंकि ये नवरात्रा 9 देवियों का रूप है जिसमें हम सब शामिल हैं, और हम अपनी उस रूपों को पहचाने और उसको स्वीकार करें
और समाज में बदलाव की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग ले। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया हमारे दर्शकों को। अशांति जी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? बिल्कुल, मैं अपनी महिलाओं को कहना चाहूँगी, अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कि अपनी सोच जो है वो सकारात्मक रखें और सिर्फ अपनी निजी सोच नहीं वसुधैव कुटुंबकम की भावनाएं रखें और हमारा जो सारा निजी सोच न रखें, हमें व्यापक सोच रखें, बिल्कुल खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। जी शांति जी आपने और नसीमा जी आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छा संदेश दिया और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक इसे अपनी जिंदगी में बखूबी उतारेंगे। इसी के साथ अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।